इस वीडियो में आपके साथ हेल्दी प्रेगनेंसी सिम्टम्स शेयर करूंगी, सेहतमंद अमल की निशानियां, जिससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है या नहीं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट सिम्टम्स है सोर एंड टेंडर ब्रेस्ट। अमल की स्टार्टिंग में ब्रेस्ट में तब्दीली आ जाती है जो थ्रू आउट 9 मंथ तक चेंज होती रहती है। ब्रेस्ट पेन या छाती का बढ़ना, छाती का बारी होना, तहकीक के मुताबिक प्रेगनेंसी में अगर फीमेल को छाती का मसला पेश आ रहा है तो ये नॉर्मल और हेल्दी साइन है। सेकेंड सिम्टम्स वजाइनल डिस्चार्ज। इंदा में नहाने से डिस्चार्ज पूरी प्रेगनेंसी में होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। रिसर्च के मुताबिक वजाइनल डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल है और इसे हेल्दी साइन माना जाता है, क्योंकि इजाफी मादा इंदा में नहाने को साफ करने में मदद करता है और यहाँ तक कि इन्फेक्शन को दाखिल होने से रोकता है। थर्ड सिम्टम्स मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। जिस फीमेल को मॉर्निंग सिकनेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इन फीमेल का मिसकैरेज और प्रीटर्म लेबर के चांसेस कम होते हैं और माहिरीन के मुताबिक बच्चा भी हेल्दी और बच्चे का आईक्यू लेवल भी बेहतर हो सकता है। फोर्थ सिम्टम्स राइट ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी नॉर्मल है तो ये भी हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। फिफ्थ सिम्टम्स गेनिंग वेट। अगर आपका वज़न प्रेगनेंसी से पहले मसलन 55 केजी था तो इसे 65-70 तक होना चाहिए। इट्स मीन कि आपको 10-15 केजी गेन करना होगा, और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको वज़न कम करने का बोलेंगी। सिक्स्थ सिम्टम्स फेटल मूवमेंट। अगर आपका बेबी की मूवमेंट ज़्यादा है तो इसे भी हेल्दी माना जाता है। हेल्दी प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बाद अब मैं आपके साथ अनहेल्दी प्रेगनेंसी सिम्टम्स शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो प्रेगनेंसी में वक्ती होते हैं बट कुछ सिम्टम्स डेंजरस होते हैं। सो फर्स्ट सिम्टम्स है ब्लीडिंग। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी ब्लीडिंग हो रही है या एब्डोमिनल पेन जो मवारी के टाइम होता है, ऐसा पेन होना नॉर्मल नहीं है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि ऐसा होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी की निशानी है। बट ज़्यादा ब्लीडिंग दर्दों के साथ होने से मिसकैरेज वाक़ हो जाती है। लेकिन अगर हैवी ब्लीडिंग विद पेन थर्ड ट्राइमेस्टर में हो तो ये प्लेसेंटा की वजह से होता है। प्लेसेंटा यूट्राइन लाइनिंग से अलग हो जाती है जो बहुत ही डेंजरस है। ऐसे केस में डॉक्टर डायरेक्ट सी सेक्शन करती हैं ताकि माँ और बच्चे को बचाया जा सके। सेकेंड सिम्टम्स नोजिया एंड वॉमिटिंग। प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग आम है, लेकिन बार बार वॉमिट आना जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो ये बेबी के लिए ठीक नहीं। जितनी भी उल्टियां आएं, लेकिन आपने खाना पीना बंद नहीं करना। कुछ फीमेल कहती हैं कि दिल नहीं चाहता खाना पीने को, ऐसे में आप अपनी और बेबी की सेहत से खेल रहे होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है तो डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर आपको मेडिकेशन एडवाइस या डाइट चेंज करने का कब बोलेंगी। थर्ड फेटल मूवमेंट, बच्चे की हरकत का कम हो जाना भी एबनॉर्मल है। अगर आप ये फील करती हैं कि बच्चा पहले से कम हरकत कर रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। नॉर्मली 2 आवर में बेबी को 10 मरतबा किक करना चाहिए। फोर्थ वाटर ब्रेक, वक्त से पहले वाटर ब्रेक होना नॉर्मल नहीं है। फिफ्थ सिम्टम एक्सेसिव थर्स्ट एंड स्वेटिंग। बहुत ज़्यादा प्यास लगना और साथ ही साथ पसीना आना भी एबनॉर्मल सिम्टम है, जो इस बात की निशानी करता है कि आपको हमल के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।